गुरुर् देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः वसुदेवासुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर मात मेरी श्री राधिका पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम मेरा बारंबार प्रणाम मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगदूर क्यों चाटे जगदूर बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय गोपाल कृष्ण भगवान की जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय श्री गिरिराज धरण की जय श्री वल्लभाधीश की जय श्री यमुने महारानी की जय श्री गुसाई जी महाराज की जय भक्तजनों माताओं बहनों सादर जय श्री कृष्ण हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको देव शयनी एकादशी हरि शयनी एकादशी के दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसे देव शयनी एकादशी कहा जाता है। इसे हरि शयनी एकादशी भी कहा गया है तथा इसे आषाढ़ी एकादशी और पद्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। और इस एकादशी से भगवान श्री हरि नारायण चार माह के लिए अनंत शैया पर विश्राम करते हैं। उसके बाद चार माह के पश्चात ही प्रभु उठेंगे और इस चार माह के दौरान सभी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य को विराम लग जाता है। यानी सभी प्रकार के जो शुभ कार्य होते हैं या मंगल कार्य होते हैं वो इस चार माह के दौरान बंद रहते हैं और चातुर्मास का प्रारंभ देव शयनी एकादशी के दिन से ही हो जाता है तथा चातुर्मास में हमको भगवान का भजन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, जप करना चाहिए और अनुष्ठान करना चाहिए तथा भगवान की दिव्य दिव्य कथाओं का श्रवण करना चाहिए। तो आज हम आपको देव शयनी एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस बार देव शयनी एकादशी का जो महापर्व है 1 जुलाई 2020 बुधवार के दिन है। तो आपको 1 जुलाई को सुबह से इस व्रत का प्रारंभ करना है तथा अगले दिन यानी 2 जुलाई तक आपको इस व्रत को धारण करना है और 2 जुलाई को सुबह सूर्योदय 5:42 से लेकर के सुबह 9 बजे के बीच में व्रत का पारणा कर लेना चाहिए यानी व्रत खोल लेना चाहिए। तो आपसे हमारा अनुरोध है कि इस दिव्य और ज्ञानमयी कथा को आप अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करिएगा। एकादशी व्रत आपको जब प्रारंभ करना है तो आपको सबसे पहले ये करना है कि एकादशी के दिन यानी 1 जुलाई को देव शयनी एकादशी है, उस दिन आपको प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए तथा तिल के जल से स्नान करना चाहिए। गंगा जल से भी आप स्नान कर सकते हैं और इसके पश्चात आपको शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। एकादशी के दिन काले कपड़े धारण नहीं करना चाहिए, नीले कपड़े भी नहीं पहनना चाहिए। इस दिन प्रयास करें कि आप लाल कपड़े पहने, पीले कपड़े पहने, सफेद कपड़े पहने, हरे कपड़े भी आप पहन सकते हैं, लेकिन काले और नीले वस्त्र एकादशी व्रत में धारण नहीं करना चाहिए तथा व्रत प्रारंभ जैसे ही आपको करना है उसके पहले अपने देवी देवताओं का पूजन कर ले, भगवान सूर्य को जल चढ़ा देवे तथा हाथ में इस प्रकार जल लेकर के संकल्प करे और संकल्प इस प्रकार करना है कि हाथ में तुलसी दल और जल लेकर के आपको 3 बार विष्णु विष्णु बोलना है और विष्णु विष्णु बोलने के बाद आपको कहना है
कि मैं इस नगर में निवास करता हूँ, इस शहर में निवास करता हूँ, और मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, तथा आज के दिन आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है, और मुझे एकादशी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त करना है, तथा भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की प्रसन्नता के लिए मैं एकादशी व्रत करने का संकल्प करता हूँ या करती हूँ। इस प्रकार आप संकल्प करके भगवान को अर्पण कर दें और उनको प्रणाम करके उनसे क्षमा प्रार्थना कर ले। यदि आप संस्कृत में संकल्प सुनना चाहते हैं तो वह भी हम आपको बता देते हैं। ओम, तीन बार आप विष्णु विष्णु का स्वयं उच्चारण कर ले। तिथिर विष्णु सुधावारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च कर्णम विष्णुः सर्वं विष्णुमयं जगत। ओम विष्णुर विष्णुर विष्णुः श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुर आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो हि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वैतवारः कल्पे वैवस्वत् मन्त्रे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बुद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्म वर्तेक देशे अवंतिकायां विशाला क्षेत्रे मध्य प्रदेश से आपके प्रदेश का नाम उच्चारण करिएगा, आपके देश का नाम उच्चारण करिएगा, आपके गांव का, आपके नगर का, आपके शहर का नाम उच्चारण करिएगा। अमुक मासे ही आषाढ़ मासे शुभे हे शुक्ल पक्षे ही अद्याय एकादश्यायाम पुण्यतिथियो अद्य दिवसे ही अपने नाम और गोत्र का उच्चारण करिएगा। श्रुति स्मृति पुराणोक्त वैदोक्त फल प्राप्ति अर्थम सर्व मनवांचित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायाम राजद्वारे व्यापारे सर्वत्र यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम यह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुर्तोपशमनार्थम महा दस विधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम बहुविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम सर्व विधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्यौ चिरकाल संरक्षणार्थम मानसिक कायिक वाचिक दोष शमनार्थम आदिदेविक आदिभौतिक आध्यात्मिक त्रिवित्तापोपशमनार्थम महा भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवताः प्रसन्नार्थम् महा सर्व देवताः प्रसन्नार्थम् महा अद्य दिवसे ही देवशयनी एकादशी व्रत संकल्पम कर्माहम करिष्ये। इस प्रकार आप संकल्प भगवान को समर्पण कर दे और हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना कर ले। संकल्प ग्रहण करने के बाद आपको पूरे दिन पूरी निष्ठा के साथ, पूरे विश्वास के साथ, पूरी भक्ति के साथ में व्रत का पालन करना चाहिए, तथा इस व्रत में यदि आप फलाहार करके इस व्रत को करते हैं, वैसे तो इस व्रत को फलाहार करके ही करना चाहिए, इसमें निर्जला या निराहार का कोई विशेष विधान नहीं है, फिर भी यदि आप चाहें तो इस प्रकार आप निर्जला या निराहार भी कर सकते हैं, यह आपकी स्वेच्छा है, लेकिन फलाहार करके ही इस व्रत को करना चाहिए। और एकादशी का जो फलाहार होता है उसमें गलती से भी आपको जो है हल्दी का उपयोग नहीं करना चाहिए। वैसे तो शास्त्रों में जो सर्वोत्तम फलाहार बताया है वो दूध से बनी वस्तुएं तथा फल, या गाय का दूध और फल, ये वस्तुएं सबसे श्रेष्ठ फलाहार मानी गई है। इसके अलावा भी अन्य जो फलाहारी वस्तुएं हैं उनको आप इस व्रत में ग्रहण कर सकते हैं, तथा एकादशी के दिन गलती से भी घर में चावल नहीं बनाना चाहिए। एकादशी के दिन किसी भी व्यक्ति को अपने शरीर के कोई भी बाल नहीं कटवाना चाहिए, दाढ़ी कटिंग नहीं करवाना चाहिए, शेविंग नहीं करवाना चाहिए, तथा एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन क्रोध नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन किसी भी व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए। एकादशी को पेड़ पौधे आपको नहीं काटना चाहिए। तुलसी पत्र एकादशी को नहीं तोड़ना चाहिए। हालांकि पूजा के लिए आप पुष्प इस दिन तोड़ सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है, तथा एकादशी के दिन बड़े बुजुर्गों का अपमान नहीं करना चाहिए, शास्त्रों की निंदा नहीं करना चाहिए, ब्राह्मणों की बुराई नहीं करना चाहिए, तथा किसी भी व्यक्ति का दिल नहीं दुखाना चाहिए, किसी भी गरीब व्यक्ति को जो है परेशान नहीं करना चाहिए। और एकादशी के दिन भगवान का भजन करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए आपको इस व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन श्रीमद् भागवत कथा का आप श्रवण करें, एकादशी के दिन गीता पाठ का श्रवण करें, गजेंद्र मोक्ष पाठ का श्रवण करें, तथा गोपाल सहस्त्र नाम का, विष्णु सहस्त्र नाम का, और भगवान के जो महामंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण शरणम मम, या फिर अन्य स्तोत्रों का
पाठ और जाप आपको एकादशी के व्रत में अनिवार्य रूप से करना चाहिए, क्योंकि देवशयनी एकादशी वैसे भी अनंत पुण्य फलदायी है और इस दिन आप भगवान के नाम जप मंत्र जाप पाठ इत्यादि करेंगे तो निश्चय ही आपको परम पुण्यों की प्राप्ति हो सकेगी। तो इस प्रकार आपको एकादशी व्रत का पालन करना होगा तथा अगले दिन का मतलब है कि आपको 2 जुलाई गुरुवार के दिन सुबह व्रत का पारणा करना चाहिए और व्रत का पारणा करने के लिए भी आपको सुबह जल्दी उठना होगा, स्नान करना होगा, स्वच्छ वस्त्र धारण करना होगे तथा उस दिन अपने नित्य पूजन करने के पश्चात आपको ब्राह्मण के लिए दान सामग्री निकालना चाहिए। उसमें आटा, दाल, चावल, सीधा सामग्री या भोजन सामग्री आपको निकाल करके भगवान के सामने रख लेना चाहिए तथा हाथ में जल और तुलसी पत्र लेकर के और एकादशी व्रत पारणा का जो है आपको संकल्प करना होगा। संकल्प की वही विधि रहेगी, 3 बार विष्णु विष्णु बोले, उसके बाद अपने नाम गोत्र का उच्चारण करें और कहे कि मैंने एकादशी व्रत का पालन किया है, अब मैं एकादशी व्रत का पारणा करने जा रहा हूँ। उस निमित्त में अन्न दान, वस्त्र दान, फल दान या जो भी आपके पास दान करने की वस्तुएं हैं उनका नाम लेकर के आप आसपास जल घुमा दे और भगवान को अर्पण कर दे। उसके बाद हाथ में जल लेकर के, तुलसी पत्र लेकर के आप व्रत का पारणा करें और उसके पश्चात आप जो है अन्य भोजन सामग्री जैसे दाल, चावल, रोटी, सब्जी सब कुछ खा सकते हैं, कोई दोष नहीं है। यदि अगले दिन प्रदोष आती है या फिर गुरुवार का व्रत होता है तो आप तुलसी पत्र और जल से पारणा करके वहीं पर व्रत का समापन कर दे और अगले व्रत का प्रारंभ हो जाएगा। इस प्रकार एकादशी व्रत का पालन सभी मनुष्यों को करना चाहिए, तभी उनको परम पुण्य की प्राप्ति हो सकेगी। अब हम आपको देवशयनी एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। भक्तजनों, माताओं बहनों, जो देवशयनी एकादशी की कथा धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखी हुई है वह इस प्रकार है। एक समय की बात है, राजा युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से प्रश्न किया कि हे प्रभु, आपने मुझे आषाढ़ माह की जो अन्य एकादशी है उसकी कथा सुनाई, अब मैं आपसे सुनना चाहता हूँ कि आषाढ़ माह के जो शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा किस प्रकार है तथा इस एकादशी का नाम क्या है और इस एकादशी की कथा किस प्रकार रहेगी। तो भगवान बोले कि हे युधिष्ठिर सुनो, एक समय की बात है, यही प्रश्न जो है महात्मा नारद जी ने अपने परम पिता पर ब्रह्म ब्रह्मा जी से किया था और ब्रह्मा जी ने वही जो है सुनाया था जो मैं तुमको सुनाने जा रहा हूं। ब्रह्मा जी ने यही कथा सबसे पहले नारद जी को सुनाई थी और ब्रह्मा जी ने कहा था कि नारद सुनो, एक समय की बात है, सूर्य वंश में एक प्रतापी राजा हुए हैं जिनका नाम था मानधाता। मानधाता बड़े ही चक्रवर्ती सम्राट थे, शूरवीर थे, ज्ञानी थे, विद्वान थे तथा प्रजा का पालन अपने पुत्र की भांति किया करते थे। उनके राज्य में कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं था, पूरी प्रजा जो है हमेशा सुखों से भरपूर रहती थी। एक समय की बात है, राजा मानधाता के राज्य में अचानक अकाल पड़ गया और उनका जो है सारा खजाना खाली होने लगा और प्रजा में त्राही त्राही मच गई। इतना अकाल पड़ गया कि प्रजा में भुखमरी फैल गई। तो राजा मानधाता ने जो है इस प्रकार विचार किया कि आखिर क्या हो रहा है, और लगातार जब प्रजा अधिक पीड़ित हो रही, दुखी हो रही, तो सारी प्रजा एक दिन राजा के दरबार में आती है, कहती है कि महाराज आप हमारे पिता हो, क्योंकि प्रजा का जो है राजा पिता होता है और राजा का कर्तव्य होता है, पिता का कर्तव्य होता है कि परिवार का पालन करे, प्रजा का पालन करे, तो आप पिता बनकर के हमारी रक्षा करो और हमारा पालन करो, क्योंकि इस समय पूरे राज्य में जो है भुखमरी फैल रही है और अकाल पड़ रहा है, वर्षा नहीं हो रही है, अन्न का उत्पादन भी नहीं हो रहा है और प्रजा में त्राही त्राही मची हुई है। तो राजा मानधाता बड़े चिंतित हुए कि आखिर ऐसा कौन सा जो है गलत कार्य मेरे राज्य में हुआ या कौन सा अपराध हुआ
जिसके कारण मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। तुरंत उन्होंने जो है अपनी सेना को आदेश दिया कि शीघ्र ही हम वन में प्रस्थान करेंगे। राजा अपनी सेना को लेकर के स्वयं भी जो है वन में प्रस्थान कर गया और वहां पर ऋषि मुनियों की जो है खोज करने लगे। खोजते खोजते अचानक उनको ब्रह्मा जी के पुत्र थे जिनका नाम था अंगिरा ऋषि। अंगिरा ऋषि बड़े ही प्रतापी ऋषि थे और उनके पास दिव्य ज्ञान था, दिव्य शक्तियां थी। अंगिरा ऋषि के आश्रम में राजा मानधाता पहुंचते हैं और उनको प्रणाम करते हैं। प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेते हैं। तब अंगिरा ऋषि पूछते हैं कि राजन, अचानक आपका आगमन मेरे आश्रम पर किस प्रकार हुआ है? आखिर आपको किस प्रकार की समस्या है? कौन सी ऐसी चिंताएं हैं जिसके कारण आज आपको पूरी सेना लेकर के और आपको स्वयं मेरे आश्रम में आना पड़ा? राजा मानधाता कहते हैं कि महाराज, आप तो अंतर्यामी हैं, आप परम ज्ञानी हैं, आप विद्वान पुरुष हैं और आप तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे राज्य में अचानक कुछ ऐसा हुआ कि पूरे राज्य में अकाल पड़ गया है, भुखमरी फैल गई है, चारों तरफ लोग परेशान हो रहे हैं, अन्न की जो है कोई भी व्यवस्था नहीं हो पा रही है और जो हमारे राज्य का जो भंडार था वो भी सारा का सारा खाली हो चुका है। तो महात्मन, कृपा करके मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए कि मेरे प्रजा में जो भुखमरी फैल रही है, अकाल पड़ गया है, वह समाप्त हो जाए। अंगिरा ऋषि ने कहा कि राजन, तुमने बड़े ही कल्याणकारी वचन कहे हैं, क्योंकि तुमने परोपकार की भावना से मुझसे प्रश्न किया है। जन कल्याण के उद्देश्य से यदि कोई मनुष्य प्रश्न करता है तो वह बड़ा ही परोपकारी माना जाता है। इसलिए राजन, तुमने जो है जन कल्याण के लिए, प्रजा का हित करने के लिए और प्रजा को जो है सुखी रखने के लिए यह प्रश्न किया है, तो मैं तुमसे बताता हूं कि तुम्हारे राज्य में एक ऐसा व्यक्ति है जो वैद विरुद्ध आचरण कर रहा है और शास्त्रों तथा धर्म की मर्यादाओं का लंघन कर रहा है। तो राजन, सबसे पहले तुम जाकर के उस मनुष्य का वध कर दो। तो राजा ने कहा कि महात्मन, आप ऋषि हैं और मैं आपसे निवेदन करता हूं, विनय पूर्वक कहता हूं कि कैसे मैं जो है ऐसे अनजान व्यक्ति का वध कर सकता हूं? यानी मैं उसको जानता नहीं हूं और उसने कोई अपराध भी नहीं किया है, फिर मैं उसका वध किस प्रकार कर सकता हूं? तो हे महात्मन, हे ऋषिवर, आप कृपा करके मुझे कोई अन्य उपाय बताइए जिससे उसका समाधान भी हो जाए तथा मेरी प्रजा सुखी हो जाए। तब अंगिरा ऋषि कहते हैं कि राजन, तुम ऐसा करो कि आषाढ़ माह की जो एकादशी आने वाली है उसका व्रत करो। उस एकादशी का नाम देवशयनी एकादशी है, हरिशयनी एकादशी है, पद्मा एकादशी है और उस दिन तुम अन्न का त्याग करके उसका व्रत करो। प्रातः काल सूर्योदय से व्रत का प्रारंभ करना तथा अगले दिन सूर्योदय तक व्रत करना और उस व्रत का तुम विधिवत पारणा करना। उस व्रत को तुम पूरी निष्ठा के साथ, पूरी भक्ति के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ में करोगे तो निश्चय ही तुम्हारे जीवन की और तुम्हारे राज्य की सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। और तुम ही नहीं, यदि पूरी प्रजा उस व्रत को करेगी तो निश्चय तौर से उनके घर में धन धान्य की वर्षा होगी और तुम्हारी प्रजा में जो अकाल पड़ा हुआ है, जो भुखमरी आ रही है, वो समाप्त हो जाएगी। तो व्रत का सारा विधान अंगिरा ऋषि के मुखारविंद से राजा मानधाता ने ज्ञात किया और उनको प्रणाम करके अपने राज्य में पुनः लौट गए और सारी प्रजा में आदेश दे दिया कि आज के दिन कोई भी जो है अन्न का सेवन नहीं करेगा तथा पूरी प्रजा इस हरिशयनी पद्मा एकादशी का व्रत करेगी। पूरी प्रजा ने विधि विधान से हरिशयनी पद्मा एकादशी या देवशयनी एकादशी का व्रत किया और इस व्रत को करने के कारण उनके राज्य में इतनी वर्षा हुई कि चारों तरफ पानी पानी हो गया और उस वर्षा के कारण अच्छी फसल पैदा हुई। और जब अच्छी फसल पैदा हुई तो उनके राज्य की जो अकाल की समस्या थी वह समाप्त हो गई, भुखमरी की समस्या समाप्त हो गई और सारी प्रजा सुखी हो गई। तब से सारी प्रजाजन एकादशी का व्रत करने लगी
और जब अंत समय उनका आया तो सभी के लिए जो है वैकुंठ से विमान आए और सभी विमान में बैठ करके प्रभु के धाम वैकुंठ लोक को चले गए। तो जो इस देवशयनी एकादशी का व्रत करता है, पालन करता है, उसके जीवन की समस्त समस्याओं का अंत हो जाता है तथा उसके घर परिवार में सुख शांति तथा समृद्धि का आगमन होता है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। महाकाल राजा की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं बहनों, आपसे हमारा विनम्र अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।